नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आ जाइए हम जानते हैं कि स्टेनोग्राफर कैसे बने, स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या कौन कौन से सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए, स्टेनोग्राफर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं पास होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12वीं पास कर लीजिए, उसके बाद आप स्टेनोग्राफर बनने के योग्य हो जाइएगा। उसके बाद आपको आप बताते हैं कि स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है। तो स्टेनोग्राफर का काम होता है कि कोई जैसे लंबा चौड़ा भाषण है या किसी लंबे फॉर्मेट को उसको छोटा में लिखना, शॉर्ट में लिखना, यही स्टेनोग्राफर का काम होता है। जैसे देखिए, लिखना है कि महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि, तो हिंदी के लिए हम एक शब्द हो गया 2 3 4 5 6, लेकिन जब इसको एक स्टेनोग्राफर लिखेगा तो कैसे लिखेगा। स्टेनोग्राफर जब एक एक लिखेगा, महोदय मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कहना चाहता हूँ को एक साथ लिख लेगा, 1 2 3 4, चार शब्द को इतना शब्द में लिख लिया। जब वह व्यक्ति कंप्यूटर पर टाइप करेगा तो इसको पढ़ेगा, वह जो लिखा है तो इसको पढ़ लेगा कि लिखा है महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि। जैसे लिखना है एक महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी लिखना है तो महात्मा हो गया और गांधी हो गया, ठीक। वह जा रहा है लिखना, देखिए वह हो गया और जा रहा है। जब एक स्टेनोग्राफर लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, जब आप लिखिएगा तो महात्मा गांधी इस तरह से लिखिएगा। तो क्या हुआ कि जब बड़ा फॉर्मेट है उसको एक छोटा फॉर्मेट में लिख लिया, यही एक स्टेनोग्राफर का काम होता है। जब इस प्रकार से वह लिख लेगा तो इस चीज़ को कंप्यूटर पर टाइप कर लेगा, टाइप करने के बाद उसको प्रिंट निकाल लेगा, उसके बाद अपने अधिकारी को दे देगा। देखिए, स्टेनोग्राफी सीखने के लिए आपको बेसिक बुक होता है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको 6 मंथ लगता है। लेकिन यह नहीं कि आप 6 मंथ का कोर्स कर लिए ये तो आप बहुत बड़ा स्टेनोग्राफर बन जाइएगा, नहीं, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको बहुत बढ़िया स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। देखिए, इसमें आपको स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको टाइपिंग आपको आना चाहिए। टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। इसकी आप स्पीड 40-40 रखिए, दोनों की 40 एक अच्छी खास स्पीड होती है। जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी तो इसी मैटर को आपको टाइप करना होता है। जब आप टाइप कीजिएगा तो बहुत फास्ट टाइप कीजिएगा, उसके बाद आपको डिक्टेशन बोला जाता है, इस तरह का शब्द बोला जाएगा। तो मैक्सिमम देखिए, अगर आप SSC का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 2 प्रकार का डिक्टेशन बोला जाता है। एक 80 के स्पीड से बोला जाता है, 80 वर्ड पर मिनट, एक 100 वर्ड पर मिनट बोला जाता है, ठीक। तो जो 100 वर्ड पर मिनट बोला जाता है वो ग्रुप सी के लिए बोला जाता है, और जो 80 WPM बोला जाता है वह ग्रुप डी के लिए बोला जाता है। इसका वैकेंसी, इसकी नौकरियां हर एक जगह निकलती है, कोर्ट में निकलती है, जितने भी भारत में कोर्ट है सब जगह निकलता है, सरकार के जितने भी संस्थाएं हैं वहां पर निकलती है, बिहार में निकलता है, बिहार SSC के तहत निकलता है, बिहार ASI स्टेनो का निकलता है, बिहार में सिविल कोर्ट हो गया, जितने भी कोर्ट हैं हर एक जगह इसकी नौकरियां निकलती ही निकलती है। तो आप सीखिए स्टेनोग्राफी, और इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदा होगा। यह नहीं कि आप 6 महीने का कोर्स कर लीजिए और घर पर बैठ जाइए, उसके बाद जब नौकरी आई तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए तो आप पास हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 6 महीना जब सीखने में लगा तो 6-7 महीना आपको 4 घंटा 5 घंटा डेली जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप 80 का स्पीड और 100 के स्पीड पर पहुंच पाइएगा, अन्यथा आप नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। कोई बोलता है कि 2 महीने में स्पीड 80 का आ जाएगा, 100 का आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका उम्र होता है 18 से 30 होता है, या अपने अनुसार बढ़ते घटते रहता है कि कितना कौन सा नौकरी में कितना मैक्सिमम एज चाहिए। तो आप सीख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप एक स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेनोग्राफी संबंधी हर एक प्रकार की जानकारी यहाँ पर दी जाती है।